नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद सलीम सैफ़ी और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस। टीवी न्यूज़ वायरस आपके लिए अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग पर्सनैलिटीज़ को आपसे रूबरू कराता है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं योगा इंस्ट्रक्टर मृदुला भट्ट। मृदुला उत्तराखंड की रहने वाली हैं, देहरादून से ताल्लुक़ है और योगा में आपने बहुत लंबे समय से शिक्षा पाई है और मास्टर्स के अलावा पीएचडी भी आप कर रही हैं योगा में। अक्सर आपने टीवी स्क्रीन पर बाबा रामदेव को ही योगा करते देखा होगा। बाबा रामदेव का एक ही शब्द, एक ही सेंटेंस होता, करने से होता है। ये बात सही है, करने से ही होता है। ये चीज़ मृदुला भी कहती हैं। योगा ख़ास तौर से कोरोना काल में बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हुआ है। कोरोना काल से एक साल पहले मृदुला ने योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में काम शुरू किया था, लेकिन लॉकडाउन में ऑनलाइन तरीके से जिस तरीके से योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में मृदुला ने ख्याति पाई है, तो उससे सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में मृदुला दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगी और बाबा रामदेव के अलावा जिन प्रमुख नामों को लिया जाएगा उनमें भी मृदुला का नाम होगा। तो आज हम रूबरू हैं मृदुला से, जो योगा के बारे में बारीकियां बताएंगी कि कोरोना में क्या खास रहा है और आम तौर पे जीवन में योगा का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मृदुला, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और धन्यवाद। सबसे पहले हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि आपने ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर के रूप में लगातार ख्याति प्राप्त कर रही हैं और देश विदेश में लगातार एक साथ बहुत सारे लोगों को योगा की ट्रेनिंग देती हैं। तो ये ख्याल किस तरीके से आया और योगा का आम जीवन में क्या योगदान है? हाँ जी, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। कहते हैं कि जब आप अपने ज़िंदगी से लाइफ एक्सपीरियंस लो तभी आप सत्य भी बोल सकते हो। तो कुछ 5 साल पहले की बात है। कहते हैं ना, जब आप शरीर से शांत नहीं होते, शरीर से आप ठीक नहीं होते, तो आपका मस्तिष्क भी शांत नहीं होता, मन भी शांत नहीं होता, तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो 5 साल पहले मुझे कोई फिज़िकली प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, थायराइड का हो गया था, वेट गेन हो रहा था, पैरों में थोड़ी थोड़ी वेलकोज वेन्स जिससे नसें आपकी दर्द करने लग जाती हैं, वो वाली प्रॉब्लम भी मुझे शुरू हो गई थी। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास मैं गई तो मुझे ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा चलो एक बार योग को भी ट्राई कर लिया जाए। और मैंने अपने ही, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मेरे दिल्ली के ही बगल में एक बहुत अच्छा योग का सेंटर है, योग शिवानंदा योग वेदांता सेंटर है, मैं वहाँ गई, मैंने कुछ क्लासेस वहाँ ली। धीरे धीरे करके मुझे महसूस हुआ कि मुझे अपने शारीरिक प्रॉब्लम में कुछ लाभ मिलने लग गया। फिर मैं इसको कंटिन्यू मैंने करती गई और वही है, 5-6 महीने में मुझे कह सकते हो 90% मुझे चेंजेस अपने लगे, नॉट फिज़िकली, मानसिक तौर से भी मुझे शांत सा रहने लग, मन शांत रहने लग गया है। तो फिर मैंने सोचा चलो इसी में और मैं क्यों ना आगे बढ़ूं। फिर मैंने वही है TTC मीन, जिसको हम टीचर ट्रेनिंग कोर्स कहते हैं, जो कि मैंने शिवानंदा वेदांता से ही उत्तरकाशी में है, एक महीने आश्रम में रह के मैंने वहाँ से TTC कोर्स करा। मृदुला जी, ये मानसिक तनाव जो है क्या है, डिप्रेशन किसे कहते हैं, किस वजह से, क्या क्या कारण है? ये आपने बहुत ही अच्छा और सुंदर क्वेश्चन मेरे से पूछा है, बिकॉज़ मैं दो साल से जब से ये हमारा पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है 2020 मार्च से, मैंने देखा ज़्यादातर, मैं जिनको भी सिखाती हूँ और ज़्यादातर महिलाएँ हैं, तो मैंने ये पाया है कि फिज़िकली से ज़्यादा, शारीरिक से ज़्यादा लोग मानसिक तौर पे थोड़े डिस्टर्ब ज़्यादा हो गए हैं। तो कहते हैं माइंड और बॉडी का हमारा कनेक्शन होता है, जब हमारा माइंड बेटर रहेगा तो फिर हमारी बॉडी भी बेटर रहेगी। और जिसको हम कहते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने से, जैसे हमारा कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया और उज्जयी प्राणायाम हो गया, जो कि हमारे स्पेशली डिज़ाइन करा हुआ है हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए। अच्छा मृदुला जी, देखा गया कि कोरोना काल के बाद में लोगों का अनुशासन बिगड़ गया है, अनिंद्रा जैसी नींद ना आना, टाइम टेबल सब कुछ गड़बड़ा गया है, कोई अनुशासन नहीं रहा लाइफ में, तो अनिंद्रा जैसी बीमारियों से या इससे रिलेटेड बीमारियों से बाहर निकलने का कोई योगा में फॉर्मूला है? हाँ जी,
योग का जो असली मतलब होता है, एक होता है युज मतलब जुड़ना, जो कि संस्कृत शब्द से निकला। युज मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना से मतलब होता है अपने आप को अपने से जोड़ना, या फिर जो हमारा डिवाइन है उससे हमको जोड़ना, वो योग होता है। दूसरी बात होता है, योग का मतलब होता है कि अगर आपको अनिंद्रा, जैसे इंसोमनिया वाली प्रॉब्लम है, या फिर आपको लाइफ डिसबैलेंस हो रखी है आपकी, तो योग का मतलब होता है स्टेबल होना। कहते हैं ना कि अति की ना भली धूप, अति की ना भला बरसना। कोई भी चीज़ अगर इम्बैलेंस हो जाती है, तो जो हमारी प्रकृति है वो क्या होती है, अपने आप ही इम्बैलेंस हो जाती है। तो हमें क्या करना है, योग में भी हमें सिर्फ बैलेंस करना है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली, ये हमें बैलेंस करना है। और बैलेंस करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स तो करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा हमें लाइफस्टाइल चेंज करनी है, बहुत हल्की सी। और जब आप योग करना शुरू कर दोगे, तो आपके अंदर खुद से ही, अंदर से ही एक आपकी आवाज़ आती है। जब आप अच्छा फील करने लग जाओगे, तो आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं, मुझे इसको कैरी ऑन करना है। अरे पुरतुला जी, आजकल जो एक सबसे बड़ी समस्या देखने में आती है कि मोटी मोटी तौंद वाले लोग, खास तौर से महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें, जिसकी तौंद निकल आती है, वो अपने आप में डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, वो हीन भावना से ग्रसित हो जाता है, वो सोचता है मैं समाज से कटा हुआ हूँ, समाज में लोग मेरी इज्जत नहीं कर रहे हैं, और वो मन ही मन घुटने लगता है। तो क्या मोटापे को हीन भावना के लिए आधार मान सकते हैं हम लोग? हाँ जी, बिकॉज आजकल थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज है, स्पेशली इन द मेट्रो सिटीज़। लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से हमारा सब कुछ गड़बड़ा जाता है, हम समय से सोते नहीं हैं, समय से खाते नहीं हैं, और वर्क प्रेशर में सिर्फ भागते रहते हैं, तो हमारा मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो जाता है कि हमारा डाइजेशन लेवल ही ज़ीरो हो जाता है। मतलब डाइजेस्ट चीज़ अच्छी नहीं होगी, तो धीरे धीरे फैट एक्यूमुलेट होगा, तो हम मोटे होंगे। सो योग में तो कहते हैं उसका 100% आपका उसका निवारण है। बिकॉज जब आप जिम जाते हैं, तो जिम में क्या होता है, आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आप फिजिकली आप मसल स्टोन करते हैं, बट यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर इंटरनल ऑर्गन्स। अब योग में क्या होता है कि आप मसल्स तो स्ट्रेचिंग से आप मसल्स तो टोन करते हैं, लेकिन आप आंतरिक जितने भी हम अंग हैं, उसमें भी हमारे ज़्यादा लाभ पहुँचते हैं। तो जैसे थोड़े से मोटे लोग हैं, उनके लिए जैसे योग में सूर्य नमस्कार, जिसको हम शायद आप सभी योग तो घर घर में है, तो सूर्य नमस्कार एक बहुत ही अच्छी क्रिया है, जिसमें कि हम आराम से 12 आसन होते हैं, 12 आसन में हम उनको करेंगे, धीरे धीरे करके उससे बहुत जल्दी हमारा जो मोटापे की समस्या है वो कम होती है। मृदुला जी, आजकल एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा देखी जा रही है कि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, और हेल्थ कॉन्शियस में आम आदमी नहीं, लोअर तबका नहीं, खास तौर से मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से ऊपर की महिलाएं और पुरुष अपने आमदनी का मोटा खर्चा एमवे प्रोडक्ट्स पे कर रहे हैं, उसके ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे कर रहे हैं, हर्बल लाइफ जैसे प्रोडक्ट्स पे, उस जैसे प्रोटीन्स पर कर रहे हैं। तो ये मोटापे को कम करने के लिए या मानव शरीर के लिए इस तरीके के सप्लीमेंट्स कितने कारगर हैं, क्या योगा इसकी इजाज़त देता है? मैं कहना चाहूँगी कि अगर इंसान थोड़ा बहुत योग करे, और मैं योग नहीं कह रही, और भी बहुत सारी एक्सरसाइज है, जैसे आप वॉक करते हो, जैसे आप रनिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, स्विमिंग करते हो, मतलब आपकी हर एक पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप योग फिजिकली फिट होने से हमारा एक मापदंड नहीं होगा, हमारा मापदंड होता है कि हम मानसिक तौर से और आध्यात्मिक तौर से और सामाजिक तौर से भी हमें संतुलन बनाए रखना है। रही बात प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्ट्स ठीक है, अगर कोई इनको खा रहा है और ये सोच के खा रहा है कि मैं पतली हो जाऊंगी या मुझे ऐसा फ़ायदा हो जाएगा, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है, और बहुत बड़ा गलत है। बिकॉज़ आप अपने, हमारे जो हिंदुस्तान है और हमारा जो इंडिया है, इसमें ही हमारे किचन में
सिंपल सिंपल सी जो चीज़ें हैं सब कुछ है, ब्यूटी प्रोडक्ट से लेके पतले होने वाले प्रोडक्ट से लेके मोटे होने वाले प्रोडक्ट से लेके, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट से ले, सारे प्रोडक्ट हमारे घर में हमारे किचनों में उपलब्ध होते हैं। यानी मृदुला हम कह सकते हैं कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, यानी कि अगर मैं मान लूँ कि मुझे पतला होना है और मैं गन्ने का रस ये सोच के पीने लगूंगी मैं पतला होऊंगा, यानी कि जैसा हम सोचेंगे जो विचार लाएंगे वैसा ही होगा। हाँ जी। तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं योगा करने से होगा। हाँ जी। यानी कि योगा ही करें, बाकी सप्लीमेंट्स या जो उपचार बहुत सारे बाजार में आते हैं कि मोटा होना, पतला होना, डिप्रेशन से बाहर जाना, तरह तरह की दवाइयाँ जो होती हैं, तो उसका मानव शरीर पर सकारात्मक असर नहीं पड़ता। हाँ जी। सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं तो वो क्या फार्मूला देगी कि वो डिप्रेशन से बाहर आ जाए, और नींद की गोलियाँ, सप्लीमेंट, आलतू फालतू के जो फार्मूले हैं उन्हें ईजाद करके वो एक अच्छा सुखी जीवन जिए और आनंदमय जीवन जिए। तो हमारे दर्शकों को आप मार्गदर्शन दीजिए, अंत में मैं यही चाहूँगा आपसे। हाँ जी, हाँ जी, ज़रूर। मैं इतना चाहूँगी, पहले तो थोड़ा सा एक कहते हैं ना बुद्धि से थोड़ा सा काम लेना पड़ेगा लोगों को, और क्योंकि कहते हैं ना कि चेंजेस आर ऑलवेज देयर, मतलब बदलाव तो आना आता जाता रहता है। आज ये है बिकॉज मैं खुद जितने भी साल की 40 इयर्स की हो गई हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक ऐसी कोई जो भी बीमारी आई थी अभी तक मैंने देखी नहीं थी, तो अभी आई है तो कुछ टाइम बाद ये चेंज भी हो जाएगी, ठीक है। तो चेंजेस आर ऑलवेज देयर एंड चेंजेस आर ऑलवेज गुड। अब देखिए, जब चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं, तो आप एक चीज़ सबने शायद नोटिस करी है, जो हमारा पर्यावरण है, हमारी प्रकृति है, वो कितनी अच्छे से खिल गई है। हर एक फूल खिलता हुआ, जो चिड़िया आजकल आपको नज़र नहीं आती थी, स्पैरो वगैरह, वो आजकल आप मतलब शहरों में भी नज़र आने लगी। मैं दिल्ली में रहती हूँ, मुझे सफ़ेद कबूतर नज़र आने लगे, जो कि शायद मैंने सिर्फ काले ही देखे थे या ब्राउन जो भी है, लेकिन सफ़ेद कबूतर भी मैं अपने ग्राउंड में उनका जो समूह देखती हूँ। तो क्या है, आप ये सोच के भी कर सकते हो ना कि हमें, हम शहरों में रहते हैं, हमारी लाइफ फैमिली मैटर आपको मिल गया है। पहले हस्बैंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, स्पेशली इन द मेट्रो सिटीज़, तो फैमिली टाइमिंग भी आपको थोड़ा मिला है। अब आप मतलब आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं करते जो चीज़ आप पे है, आप उस चीज़ की कल्पना करते हो, इसीलिए हम लोग डिप्रेस रहते हैं, जो चीज़ हमारे पास नहीं है। तो अगर हम उस चीज़ की कल्पना करना छोड़ें कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसको छोड़ के जो चीज़ हमारे पास है उसको एंजॉय करें, तो एक ये बहुत ही थिन लाइन है कि है और नहीं है में। अब क्योंकि जब अब चेंज हो जाएगा ना, अभी कुछ चीज़ सिचुएशन अभी ठीक आ जाएगी, फिर आप लगोगे हे भगवान वो तो चीज़ ज़्यादा अच्छी थी जब हम एक साथ रहा करते थे, हम अलग अलग खाना बनाते थे और फैमिली टाइम, और इतनी सुंदर सुंदर हमने प्राकृतिक नज़ारे देखे वगैरह, फिर हम इसको मिस करेंगे, तब हम वो वाली चीज़ क्रिप करेंगे। तो इंसान इसी वजह से सेटिस्फाई नहीं होता, इसी वजह से हैप्पी नहीं होता कि जो चीज़ है उसको पहले आप उसको भोगिए, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। और बाकी तो घर में रहकर क्या है, आप थोड़ा सा एफर्ट्स, देखो एफर्ट्स तो चाहे आप योग हो चाहे आप कुछ भी हो, थोड़ा सा एफर्ट्स आपको लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा जल्दी उठिए, जैसे पहले लाइफ स्टाइल रहती है, थोड़ा जल्दी उठिए, समय से भोजन कीजिए, थोड़ा योग कीजिए, और जिनको जैसे आजकल कोविड भी प्रॉब्लम लगा है, अनुशासन में, हाँ थोड़ा अनुशासन रह जाए। आप, मैं कहती हूँ, आप बहुत अनुशासन नहीं कर सकते, तो आप धीरे धीरे करके अनुशासित हो जाइए, है ना। मधुला जी, आपने हमें इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी योग इंस्ट्रक्टर मृदुला। मृदुला ने बताया कि जो डिप्रेशन होता है वो सेल्फ क्रिएटेड प्रैक्टिस है, और इस नाम की कोई बीमारी नहीं होती है, यानी कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा विचार अपने दिमाग में लाते हैं वैसा ही होता है। नींद की गोलियाँ हो या कोई और उपचार हो, वो इसका इलाज है ही नहीं, क्योंकि डिप्रेशन कोई बीमारी ही नहीं है। डिप्रेशन से बाहर आने के लिए आदमी को खुद ही इलाज करना होता है, और ख़ास तौर से जब कोरोना काल आया और यह आपदा वाली स्थिति आई, तो इसमें हर कोई जिंदगी और मौत के बीच अपने आप को फंसा पा रहा था। तो कुल मिला के अगर हम मानव जो हैं, अगर कुदरत की बातों को, नेचर को तरीके से, अनुशासन
तरीके से फॉलो करेंगे तो हम किसी भी बीमारी का शिकार नहीं होंगे और मन भी हमारा स्थिर रहेगा। जब मन स्थिर होगा तो खुशी चारों तरफ से आएगी, यानी कि मेहनत करने के बाद ही आपको तन मन धन सारी चीजें एक साथ मिलेंगी। फिलहाल मोहम्मद सलीम सैफी को दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में हमारे कोई और मेहमान होंगे मृदुला जैसे अनुभवी लोग। तब तक के लिए फिलहाल मुझे और मृदुला को इजाजत दीजिए, नमस्कार। धन्यवाद। सत्य के साथ